हेलो दोस्तों, कैसे हो? माई सेल्फ अरजीत, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोइंग ज्ञान पे। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, मेरी लास्ट वीडियो थी फॉन्ट्स के बारे में, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा टेक्स्ट अलाइनमेंट के ऊपर। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं जो हमारे सेल्स हैं उनकी हाइट एंड विड्थ की थोड़ी सी बड़ी करूँगा, ताकि आपको डिफरेंस क्लियरली दिख जाए। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारा होम मेन्यू के अंदर एक अलाइनमेंट करके टूल आते हैं, इसमें सबसे पहले हमें चेंज करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आता है टॉप अलाइन, इस पर क्लिक करेंगे टॉप अलाइन। ये है हमारा सेंटर लाइन, जो कि ऑलरेडी हमारा सेंटर में है, और ये आता है यहाँ पर बॉटम अलाइन। ऐसे ही जो हमारा टेक्स्ट कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू होना है, लेफ्ट से राइट से, उसके लिए अलाइनमेंट के लिए ये अलग से आता है। ये होता है उसका लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ से आपका सेंटर आ जाएगा, और यहाँ से राइट। अब देख सकते हैं क्लियरली डिफरेंस, ये पहले सेम लेवल पे थे, अब मैंने सारे अलाइनमेंट चेंज करिए तो ये है। अब ऐसे इसको मैं चाहता हूँ कि इसको ये बिल्कुल सेंटर में आए, तो यहाँ से मैंने इसकी जो मिडल अलाइनमेंट ले लेनी है और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर देना है, टोटली सेंटर में आ गया। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में रहे, अलाइन से सेंटर में, और ये राइट से शुरू हो जाए, राइट से शुरू हो गया सेम। इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, सेंटर में। तो ये था हमारा अलाइनमेंट टूल्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मेरी अगली वीडियो है फॉन्ट्स डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन के ऊपर। मैंने लास्ट वीडियो जो कि फॉन्ट्स डिटेल के ऊपर बनाई थी, उसमें मैंने डाउनलोडिंग लिंक डाला था। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। लर्न एंड ग्रो।